So in the previous video, I have discussed about dialogue completion. I have discussed कि dialogue completion लिखते कैसे हैं by giving you one example. In this video, I will teach you how to write dialogue writing. ठीक है, सारे पूरे पूरे dialogues कैसे लिखे जाते हैं. Now, before doing this, let's see what is a dialogue writing means. It is a conversation between two people about any topic. The main purpose of dialogue writing is to make students able to complete any conversation with grammatical correctness and draw a meaningful conversation. So it is very important to do it properly. ये important इसलिए होता है क्योंकि ये आप daily life में perform करते हो. Without grammatical errors, you have to conversate to people. You should know how to conversate to people without making any grammatical errors. And ऐसे बात करनी चाहिए जैसे कि आपका जो मीनिंग जो आप कन्वर्सेशन में कहना चाह रहे हो वो प्रोमिनेंटली बाहर आए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ सम ट्रिक्स जैसे कि आपके इसमें कम मिस्टेक्स होंगे. तो फर्स्ट इज़ गुड कमांड ऑन टेंसेस. नाउ टेंसेस में गुड कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई हैव टॉट यू अर्लियर, आई हैव गिवन यू द वीडियो ऑन टेंसेस. इफ़ यू हैव एनी डाउट related to tenses, you can watch those videos again. Okay, then the other is understand the relation between the speakers. Now this is very important ki you should know ki jo relation hai speaker mein dono wo kya hai. Like if you are writing a conversation dialogue writing between a doctor and a patient, you know ki aapke beech mein kaisi baat honi chahiye. If you are writing a dialogue writing between an interviewer and an interviewee होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है, इंटरव्यूअर वो होता है जो ले रहा होता है इंटरव्यू. तो उनके बीच में एक फॉर्मल बात होगी, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में एक फॉर्मल टोन पे बात होगी, राइट. मदर एंड चाइल्ड के बीच में एक रिस्पेक्टेड टोन में बात होगी, फ्रेंड्स के बीच में एक इनफॉर्मल टोन भी चल जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलेशन क्या है स्पीकर्स का. अगर जब हमें रिलेशन पता चल जाता है, इट बिकम्स ईजी फॉर आस टू राइट अ डायलॉग. ठीक है, द अदर इज अंडरस्टैंड अ टॉपिक एंड द सिचुएशन. नाउ आपको सिचुएशन, आपको टॉपिक आपके क्वेश्चन में दिया होता है. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द क्वेश्चन, द टॉपिक विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड योर डायलॉग शुड बी रेलिवेंट टू ईच अदर. रेलिवेंट इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर वो रेलिवेंट नहीं होंगे तो वो कोई इसका मतलब नहीं. इट इज़ वेस्ट टू राइट, आपका कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का. यू शुड ऑलवेज राइट वॉट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन. अपने फैक्ट्स, अपने पर्सनल आइडियाज़ नहीं लगाने हैं इन सब चीज़ों में. जो क्वेश्चन में फैक्ट्स आइडियाज़ दिए हैं वही बस लिखना है. ठीक है, देन गुड कमांड ऑन वोकैबुलरी. जितने अच्छे वोकैबुलरी रिफाइंड वर्ड्स यू यूज़ इन योर डायलॉग, इट बिकम्स गुड इन क्वालिटी और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल्सो. स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल करेक्शन होना चाहिए. ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि आपकी मिस्टेक्स कम हो. बट कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं टू यूज़ इट टू जस्ट gain that bonus marks. Okay, then indulge yourself in the conversation. If you will indulge yourself in the conversation, like ऐसे कि आप सच में ये conversation सच में कर रहे हो, this is happening in real, तो it becomes easy for you to write it. It becomes easy for you to understand the situation. It everything becomes easy to in order to write the dialogue. Okay, so आई विल डिस्कस वन क्वेश्चन. द क्वेश्चन, हम लोग डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, डायलॉग कम्प्लीशन हम पहले कर चुके हैं. डायलॉग कम्प्लीशन में क्या था, जहाँ पे गैप्स दिए होते हैं वो हमें फिल करने होते हैं. ठीक है, पर इसमें हम लोग को फुल लेजिट डायलॉग्स लिखने होते हैं. ठीक है, डायलॉग क्वेश्चन है, हेयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट. डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन लिखनी है हमें. द पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग हेड एक वेन एवर ही ट्रैवल्स बाय कार. अब ये हमें पर्पज, हमें टॉपिक भी दे दिया गया है कि हमें जो कन्वर्सेशन होगी
वो ये होगी जहाँ पे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है कि उसको हेडेक होता है जब वो कार से ट्रैवल करता है. दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. अब इफ़ यू विल राइट इन योर आंसर दैट अ पेशेंट हैज़ अ फीवर एंड टॉकिंग एंड कन्वर्सेटिंग विद द डॉक्टर, देन इट विल बी टोटली रॉन्ग एंड यू वोंट गेट एनी मार्क्स. यू हैव, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट when the patient has a problem of getting headache whenever he travels by car. अब इसी के अराउंड हम लोग अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बेसिकली ऐसे आता है लिखने के लिए, बट इन केस अगर आपको ऐसा आए लिखने के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डैश दे देते हैं और पंक्चुएशंस दे देते हैं. अब यू हैव टू फिल योर डायलॉग्स रिलेटेड टू द पंक्चुएशन. लाइक अगर पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क की है तो ऑब्वियसली ही और शी विल आस्क अ क्वेश्चन मार्क, सॉरी आस्क अ क्वेश्चन. इफ इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस, मीन्स अ नॉर्मल सेंटेंस एंडिंग विद द फुल स्टॉप, देन यू कैन राइट अ नॉर्मल सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस तो सेंटेंस टाइप अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डायलॉग राइटिंग में डायलॉग राइटिंग के साथ आपके टेंसेस भी चेक होते हैं, सेंटेंस टाइप भी चेक होता है, रिकग्निशन ऑफ द सेंटेंसेस भी चेक होता है, ग्रामेटिकल एरर्स भी चेक होती है, सब कुछ चेक हो जाता है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कमिंग टुगेदर. ठीक है, तो ऐसे तो आएगा तो यू कैन राइट द सेम, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, यू कैन राइट द सेम वन, बट क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा. ठीक है, ऐसे भी आ सकता है या फिर सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है और आपको अपने मन से लिखनी हो सकती है. ठीक है, राइट, लेट्स स्टार्ट. पेशेंट सेज हेलो डॉक्टर मे आई कम इन. अब इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस कन्वर्सेशन इन रियलिटी, सबसे पहले आप हेलो करते हो, ग्रीट करते हो एंड पूछते हो मे आई कम इन. ठीक है, तो वही यू विल राइट, जैसे रियलिटी में होता है वैसे यू हैव टू राइट. ओके, एंड डॉक्टर सेज इन रिप्लाई टू इट हेलो यस श्योर प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, सो टेल मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. एंड यू एंड डॉक्टर आस्क कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ही आस्क टू कम एंड सिट डाउन. ठीक है, यही होता है रियलिटी में भी, तो यू विल राइट दिस ओनली. देन द पेशेंट सेज डॉक्टर आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग हेडेक व्हेनेवर आई ट्रैवल बाय कार. अब बिल्कुल सेम चीज़ जो क्वेश्चन में दी गई थी वही चीज़ इसको कॉपी पेस्ट करा गया है यहाँ पर. इट वॉज रिटन देयर दैट द पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग हेडेक व्हेनेवर ही ट्रैवल्स बाय कार. दिस इज व्हाट इज रिटन हेयर दैट द पेशेंट इज replying to the doctor when the doctor asked that he then asked the problem, then he said that I have a problem of getting headache whenever I travel by car. ठीक है, and doctor said oh this is not any serious issue, don't worry I will give you medicines and you will be fine. So he said it is not a very big issue, you will be fine, I will give you some medicines. Patient said thank you doctor, how often should I take the medicine. लेट्स से अगर हमें ऐसे फॉर्म में दिया होता, ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन मार्क होता तो वी कैन इवन राइट थैंक यू डॉक्टर हाउ ऑफन शुड आई टेक द मेडिसिन. अब मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है सेकंड वाले में, यू कैन सी क्वेश्चन मार्क दिया है पेशेंट के डायलॉग पे के एंड में, मतलब कि पेशेंट को डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना है. ठीक है, सो टू दैट डॉक्टर रिप्लाइड जस्ट हैव वन पिल इन द मॉर्निंग एंड वन अबाउट 30 minutes बिफोर गोइंग टू बेड. दिस इज़ वॉट ही रिप्लाइड टू द आंसर. नाउ अब दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो रेलिवेंट होनी बहुत ज़रूरी है. जो पेशेंट ने पूछा उसी का आंसर दूसरे डायलॉग में डॉक्टर देगा. दिस इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. अब डॉक्टर पेशेंट पूछ रहा है कितनी बार कब मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर कुछ और जवाब दे रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि आपको मेडिसिन एक हफ्ते तक लेनी है, तो दिस इज़ रॉन्ग नाउ. ठीक है, देन पेशेंट आस्क हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, नाउ ही आस्क फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक लेनी है. टू दैट डॉक्टर रिप्लाइड एट लीस्ट फॉर 15 days इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में, एंड आफ्टर दैट ओनली व्हेनेवर यू आर अबाउट टू गेट इनटू द कार. तो अभी इनिशियली तो 15 दिन और बाद में जब आप कार के अंदर जाओगे तब आपको दिस मेडिसिन यू हैव टू टेक. टू दैट पेशेंट
रिप्लाइड एनीथिंग एल्स डॉक्टर, इज दिस नॉर्मल? जब कोई भी बीमारी होती है, कोई भी ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो पेशेंट्स क्या पूछते हैं कि क्या ये नॉर्मल है, कुछ डरने की तो बात नहीं है ना डॉक्टर? सो टू दैट डॉक्टर रिप्लाइड, यस एब्सोल्युटली नॉर्मल, डोंट वरी, यू विल बी फाइन सून, बी रिलैक्स एंड डोंट टेक स्ट्रेस. पेशेंट जाता है तो क्या बोलता है, ओके डॉक्टर थैंक यू, एंड द कन्वर्सेशन एंड्स हेयर. सो ये जो पूरी कन्वर्सेशन है, डू यू ऑल्सो थिंक कि ये बिल्कुल रेलिवेंट है इससे? येस इट इज़ रेलिवेंट. जो आपका क्वेश्चन है पूछा है, दिस इज़ वॉट द आंसर शुड बी. ओके सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग यू कैन आस्क. थैंक यू.